गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लेसन्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिलोशिया के प्लांट के बारे में बताऊंगी, जिसे हम लोग कॉक्सकॉम का प्लांट भी कहते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है प्लांट, वो अमेरेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है वो हमारे गार्डन में काफ़ी सारे बने हुए हैं। लास्ट ईयर जब मैंने सिलोशिया का प्लांट ग्रो किया था, तो उससे इतने सारे सीड हुए थे कि बिल्कुल वीड्स की तरह हमारे दूसरे गमलों में भी फैल गए थे। और इस साल मैंने इन्हें अलग से सीड से ग्रो नहीं किया, और जो पुराने सीड से जो प्लांट बने थे वही इतने सारे ग्रो हो गए फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी नर्सरी से एक बार ये प्लांट लेके आ जाते हो, तो इसके सीड्स इतने फैलेंगे कि आपके पूरे गार्डन में हमेशा बने हुए रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, इसे हम ज़्यादातर समर्स में ग्रो किया जाता है, और इसको अप्रैल में ग्रो किया जाता है, मार्च में ग्रो किया जाता है फ्रेंड्स, और मई जून में भी आप लोग इसे ग्रो कर सकते हो। इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, फुल सनलाइट में प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है फ्रेंड्स। उसके अलावा आपको इसे वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा ओवर वाटर इसे नहीं करना होगा। मैंने भी जब भी हमारे यहाँ रेनी सीजन होता है, तो गलती से जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसकी जो रूट है, जो इसकी स्टेम है, वो बहुत ज़्यादा गलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है। तो इस वजह से आपको इसे बहुत कम पानी देना है, लेकिन इसकी वाटरिंग जो है वो आप लोगों को रेगुलर करनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो फ्लावर्स है वो काफ़ी अच्छे आएंगे, बने रहेंगे। उसके अलावा आप इसे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर्स है वो विंटर तक बने हुए रहते हैं। जो नवंबर है, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे फुल ग्रोन फ्लावर्स इसके हो जाते हैं, और उसमें से खूब सारे सीड्स गिरने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सीड्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं लास्ट ईयर। तो फ्रेंड्स, ये जो सीड्स हैं, उसमें से जो आप ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, ये राई के दाने जैसे होते हैं फ्रेंड्स, और ये जो है वो सिलोशिया के सीड्स होते हैं, बिल्कुल राई के दाने की तरह ग्रो होते हैं फ्रेंड्स ये। और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, शुरू में इनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। और इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।